हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्री फायर के बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स एंड इवेंट्स के बारे में। और हाँ यार, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट वीडियो में आपसे वादा करा था बूया डे के बारे में काफ़ी सारी बातचीत होगी, और इस वीडियो में होने वाली है क्या क्या आपको मिलने वाला है, कैसे कैसे मिलने वाला है, क्या क्या आने वाला है, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर आपको एक चीज़ का मैं बताना चाहूँगा, सर जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं अपने मामा लोगों के वहाँ जा चुका हूँ एंड भैया दूज के लिए मम्मी को लेके गया हूं। तो भाई यहां पे तुम लोग बताना कि क्या तुम्हें व्लॉग चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि भाई कुछ भी नया होगा तो और व्लॉग्स पे व्लॉग्स आएगा। और मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूं, थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूं, तो तुम बताओ तुम्हें व्लॉग चाहिए नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर से बताना। और हां, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। अच्छा, वीडियो की शुरुआत में तुमको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको सुनने और देखने के बाद तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, और तुम खुद मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। तुमको याद होगा 2020 में जो हमारा FFIC हुआ था वो कैंसिल हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ हैकर, और ढंग से मैनेजमेंट नहीं हो पाया था एंड भाई उसकी वजह से FFIC को कैंसिल करना पड़ा था, जो कि शुरुआत में हुआ था फरवरी जनवरी का, याद होगा आपको। उसके अंदर काफी सारी टीम्स भी बैन हुई थी एक साल के लिए, जो वापस आ रही है। अब तुमको बताना चाहूँगा, चलो वो तो हुआ ही हुआ था, बट उसके अंदर एक और चीज़ हुई थी, जो एक टीम थी फैटल फोर नाम की, जिसको बाद में स्टारवर्ड्स ई स्पोर्ट्स ने यहाँ पे स्पॉन्सर करा था। उसमें एक प्लेयर था जैक नाम का, और रिसेंटली आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने जैक की बात करी थी, जो कि इंडोनेशिया की टीम है हमारी इवोस इंडोनेशिया डिवाइन, वहाँ खेलने वाला है, वहाँ का एक टेम्प्रेरी प्लेयर बनने वाला है। तो वो प्लेयर की प्रोफाइल को जब मैं सर्च कर रहा था विकिपीडिया पे, तो उसकी प्रोफाइल में फ्री फायर इंडियन चैंपियनशिप 2020 का जिक्र भी था। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, इंडोनेशिया का प्लेयर इंडियन चैंपियनशिप के अंदर कैसे खेल सकता है? हो भी सकता है, क्योंकि 2020 में जो वो हुआ था FFIC, उसके अंदर काफ़ी सारी गड़बड़े हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें निकली थी, फॉल्ट निकले थे, जिसकी वजह से उसको कैंसिल करा गया। अब इतना नहीं कह सकता हूँ कि ये विकिपीडिया की गलती है या फिर फ्री फायर ने मतलब उस टाइम पे वो गड़बड़ करी थी, बट ये चीज़ देख के मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये जैक पहुँच कैसे सकता है, मतलब इंडोनेशिया की सिटीजनशिप रखने वाला बंदा इंडियन चैंपियनशिप कैसे ही खेल सकता है भाई? सबसे पहली बात तो सर्वर ही एक नहीं है, उस टाइम पर सर्वर भी एक नहीं था भाई, सर्वर अलग हो चुका था इंडिया का, ये कैसे पॉसिबल है? तुम लोग बताओ मुझे कमेंट करके, क्योंकि मेरा दिमाग घुमा पड़ा है कल से कि भाई ये चल क्या रहा है, मतलब कुछ भी। और ये चीज़ अगर हुई है तो सच में भाई बहुत बड़ी गड़बड़ थी उस टाइम के, उस जो भी लीग टीम उसको संभाल रही थी भाई, सच में उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ करी होगी अगर ये हुआ है। बट अभी भी मैं इसमें श्योरिटी नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है विकिपीडिया की साइड से गड़बड़ हो सकती है, बट मुझे जैक के बारे में ज़्यादा कुछ जिक्र नहीं मिला। बट अगर ऐसा होता है सच में भाई कुछ भी, तो जैसे कि आपको पता है कि बूया डे बहुत ही जल्दी हमारी गेम के अंदर आने वाला है, और गरीना फ्री फायर ने इसकी अनाउंसमेंट डालनी स्टार्ट कर दी है। और लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भैया यहाँ पे बूया डे के अंदर काफी सारी चीजें निकल के आने वाली है, और एक पोस्ट जो गरीना फ्री फायर ने डाला है वो डाला है हमारे नए करेक्टर को लेकर के। उन्होंने बता दिया कि इस बूया डे पे आपको एक नया करेक्टर देखने को मिलेगा, बट ये नया करेक्टर फ्री आएगा या फिर पेड आएगा, इसके ऊपर काफी सारे डाउट्स हैं, क्यों मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहली बात तो इस करेक्टर की एबिलिटी है बजर बीटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और यहाँ पे आप जब भी किसी कॉम्बेट को सर्वाइव कर लोगे, यहाँ से उससे बच जाओगे किसी के साथ फाइट लेते हुए, तो आपको फर्स्ट लेवल पे ये 5 HP रिकवर करके देगा, और यहाँ पे मैक्स लेवल पे जब आप उसको लेवल 6 का कर दोगे तब आपको 30 HP रिकवर करके देगा, जो कि एक पैसिव स्किल होने वाली है। सरप्राइजिंग बात यह है कि एक कोलैबोरेशन करेक्टर है और उसके साथ ही साथ इसको पैसिव स्किल रखी गई है। वहीं यही बात काफ़ी सारे डाउट्स को भी मतलब काफ़ी सारे आउट खड़े करता है, क्यों? देखो सबसे पहली बात तो काफी सारे लोग बता रहे हैं कि ये टॉप अप के अंदर आएगा, क्यों? क्योंकि आज से पहले जितने भी पैसिव स्किल वाले नए करेक्टर आते हैं उनको गरीना फ्री फायर अक्सर टॉप अप के अंदर देता है। बट दूसरी बात ये है कि भाई यहां पे ये चीज हमारे कोलैबोरेशन के अंदर निकल के आई है, तो भैया यहां पे हो सकता है आपको स्टोर के अंदर निकल के आई, क्योंकि जितने भी कोलैबोरेशन करेक्टर होते हैं मेजोरिटी वो सारे के सारे हमारे स्टोर के अंदर आपको जाकर परचेज करने पड़ते हैं, किसी स्पेशल इवेंट में परचेज करने पड़ते हैं। तो यार अगर ये लेब्रॉन जो जिसका नेम अभी क्लियर नहीं है, इसका रियल लाइफ नेम
ले रहा हूँ मैं, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है, एनबीए प्लेयर है हमारे अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे ये करेक्टर क्या अब टॉपअप के अंदर आएगा या स्टोर के अंदर आएगा, जो भी निकल गया पता चल जाएगा। बट जो लोग बता रहे हैं टॉपअप का, वो बोल रहे हैं कि 100 डायमंड की टॉपअप पर ये निकल के आएगा। देखते हैं किस तरीके से निकल के आता है हमारा नया करेक्टर। बट गरीना फ्री फायर ने इसके अनाउंसमेंट डाल दिया कि बुया डे पे आपको देखने को मिलेगा, और बुया डे होने वाला आप लोगों का 20 नवंबर को। एंड इसी के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ टॉपअप की, तो कुछ और फोटोज भी निकल के आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये स्काइप की स्किन आपको 100 डायमंड के टॉपअप में मिलेगी बिल्कुल फ्री। एंड इसी के साथ सर ये जो गाड़ीज की स्किन है जो बुया डे पे आने वाली है, ये आपको मिलेगी 500 डायमंड के टॉपअप पे एक स्पोर्ट्स कार की स्किन। और होपफुली ये इसी तरीके से निकल के आए, क्योंकि भैया अगर स्टोर के अंदर निकल के आएगा तो सबका पोपट कट जाएगा, कौन जाएगा भाई स्काइप की स्किन को लेने के लिए एंड स्पोर्ट्स कार की स्किन को लेने के लिए, क्योंकि गरीना फ्री फायर ने इतनी सारी स्किन तो पहले ही फ्री में दे दी है। भाई मैकलेरन का कोलैबोरेशन होता है स्पोर्ट्स कार की, कितनी अच्छी अच्छी स्किन से हमें बिल्कुल फ्री मिल चुकी है विद एट्रीब्यूट्स। यार गाड़ी में एट्रीब्यूट्स दे दिया यार गरीना फ्रीफा ने, मजे की बात यह है। चलो जो भी है, जो भी निकल के आया है होपफुली ये हमारे टॉपअप में निकल के आए, बट इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होने वाले, पहले ही बता रहा हूँ ना, स्काइप की स्किन में होने वाले ना ही स्पोर्ट्स कार में होने वाले ये वाली। चलो फिर अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा तो मैं याद है वो कोबरा वाला इवेंट जिसके अंदर आपको एक लेजेंडरी कोबरा वाली स्किन मिली थी, जिसके चार चार कलर वेरिएंट थे एंड साथ ही साथ फ्री इमोट्स थे, पार्टी इमोट्स थे, मतलब जो ग्रुप पार्टी इमोट्स थे वो भी मिल रहे थे बिल्कुल फ्री, याद है तुमको वाली। तो भाई उसी तरीके से बुया डे पे भी वही उसी तरीके के कंसेप्ट पे एक और कॉस्ट्यूम आने वाले लेजेंडरी। एंड वहीं अगर हम बात करेंगे तो इस लेजेंडरी स्किन का एक कंसेप्ट एनिमेशन टीजर कुछ भी कह लो आप यहाँ पे निकल के आया है, जो कि मैं आगे ड्रॉप करने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे डाल देना। एंड अब मैं टीजर ड्रॉप करता हूँ और इस वीडियो को उसके साथ एंड भी कर देंगे।